हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स, आज इसके लिए लेक्चर नंबर आप लोग के लिए 3 लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी तो मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी। और ये जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है दोस्तों वो शुरू किया था। दोस्तों वो प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है दोस्तों, उसमें हम लोग ने सिर्फ 3 एग्जांपल देखे थे। काफी बड़ा प्रैक्टिस सेट था, नॉर्मली 7 से 8 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया था, तो चौथा क्वेश्चन जो है आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करके लेके आ गया आपके सामने। तो आज जो है कल के ही लेक्चर का यानी लेक्चर नंबर 2 का ही कंटिन्यू वाला पार्ट है, तो आप इसको देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते जाना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फोर्थ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि है आपका फोर्थ क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है रीड करके बताता हूं। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन को करा रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स। मतलब क्या बोल दिया है कि कोई एक एंगल है उसका जो मेजर है वो है ट्वाइस द मेजर ऑफ इट स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब एक सबसे छोटा एंगल होगा उसका दूसरा जो एंगल है वो उससे क्या है ट्वाइस है, मतलब दो गुना है उससे। और हमें पूछा है, एक और पूछा है कि जो तीसरा एंगल है जो मेजर ऑफ द थर्ड एंगल है वो थ्राइस है द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब एक सबसे छोटा एंगल होगा सबसे पहली बात तो, फिर दूसरा वाला एंगल उसका डबल है, और तीसरा वाला एंगल उसके ट्रिपल है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन किसका पूछा है, एक सबसे छोटा एंगल उसका डबल दूसरा वाला एंगल, और उसका ट्रिपल जो है वो तीसरा वाला एंगल है। तो हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल का आप मेजरमेंट बताओ कितना आएगा। तो जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले हमें इमेजिन ये करना है कि हम मान लेते हैं लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, जो आपका स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा वाला जो एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो सबसे छोटा वाला जो एंगल है वो क्या है हमारे लिए एक्स है। ओके, अब ये हमने मान लिया कि सबसे छोटा वाला एंगल एक्स है, तो हमारा जो सेकेंड एंगल होगा, ठीक है, जैसे उसमें बोला है क्वेश्चन में कि सेकेंड एंगल क्या होता है ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल के, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमने मान लिया एक्स, तो सेकेंड एंगल क्या होगा 2x, क्योंकि ट्वाइस है, ठीक है, तो ये क्या होगा 2x होगा। वही जो थर्ड एंगल है, हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि थर्ड एंगल इज द थ्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा x है, तो थर्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा जो तीसरा एंगल है। कोई भी ट्राइंगल के अंदर 3 ही एंगल होते हैं आपको पता ही है, तो एक एंगल यही खुद हो गया, दूसरा एंगल ये रहेगा, और तीसरा एंगल बोला है थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 3x को, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल गया, करेक्ट है, एक्स के फॉर्म में मिला है, लेकिन मिला तो है, तो इससे हम लोग को एक चीज याद आता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर जब एंगल्स आपको दिए हुए हैं तो उसको आप प्लस करोगे तीनों के तीनों एंगल्स को, तो आपको पता है कितना आता है 180 डिग्री आता है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल द एंगल्स मेजर करेंगे, सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं द सम ऑफ All angles, the sum of all angles in a triangle, ठीक है, in a triangle is equal to what? 180 degree, यह हमें पता है, ठीक है ना, पहले भी पढ़ा हुआ है हम लोग ने कि तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 degree आता है। अब तीनों एंगल है क्या हमारे पास, एक एंगल है x प्लस दूसरा एंगल है हमारे पास 2x प्लस तीसरा एंगल है हमारे पास 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये तीनों को प्लस करो, x प्लस 2x 3x, 3x पर 3x 6x, तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा x कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 6, देयरफॉर हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो x मिल गया हमें, x का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री है x का वैल्यू। तो तीन एंगल कौन कौन से हो गए हमारे पास, क्या हो गए तीन एंगल, एक एंगल है आपका x, तो x हो गया हमारा पहला एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल हमारे पास 2x है, तो 2x विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमारा दूसरा एंगल 60 डिग्री मिल गया। तीसरा एंगल क्या है हमारे लिए 3x है, तो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है 30 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमारा जो तीनों एंगल आए वो कितना है, पहला एंगल 30, दूसरा एंगल 60, तीसरा एंगल 90, ये तीनों डिग्री के पर्टिकुलर एंगल है, और यही आपका आंसर है। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, इससे इजी हो ही नहीं सकता, कि आपको क्या बोला था, एक कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के दिया था, कि बहुत सारे बच्चे लोग क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाते, क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं कि एक्जैक्टली पूछा क्या है और आपको किस तरह बनाना है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको एनालाइज करो, एंड देन उसको फॉर्मेट के हिसाब से लिखो, आप उसको सॉल्व करते जाओगे तो बहुत ईजी लगने वाला है, बहुत ईजी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, तो वैसे आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायग्राम सबसे पहले इसके लिए मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आप लोग के लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे का पार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हेडिंग डाल लेते हैं, और उसका जो डायग्राम है वो भी आप लोग के लिए फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग डाल लो,
फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, क्या बोला है क्वेश्चन? एक डायग्राम ड्रॉ करने बोला है यहाँ पे. सबसे पहले वो डायग्राम को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हियर. एक डायग्राम है, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. ओके, ये एंगल यहाँ पे आ रहा है. ओके, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, ये जो एंगल है वो 140 डिग्री का एंगल है. ठीक है, यहाँ पे एरो मार्क है. फिर ये एंगल जो है ये जेड है. ठीक है, अननोन है. जेड मतलब अननोन दिया है, आपको कुछ पता नहीं कितना है. ये आपका जो वैल्यू है वो है एन. ये एक एंगल है जिसका नाम यहाँ पे बोल दिया है एक्स. ये जेड है तो ये वाई है आपका. एक्स वाई जेड अंदर का एंगल एक्स वाई जेड है. ठीक है, ये एरो है, यहाँ पे पॉइंट एक है, यहाँ पॉइंट टी है आपके लिए. यहाँ पे जो आउटसाइड वाला ट्राइंगल है, दिस इज नोन एज आउटर मोस्ट ट्राइंगल. ये 100 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, ये 140 है, ये 100 डिग्री है. और उसके बाद आपको ये जो पॉइंट है ये एम है. ओके, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज आर पॉइंट. ओके, तो ये आपको नजर आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, ये डायग्राम हो गया आपके लिए. ओके, सेम है. ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हमें क्वेश्चन ये पूछा है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, इन दिस फिगर, ये आपके लिए फिगर दिया हुआ है. इन दिस फिगर यहाँ पे बोल दिया है मेजरमेंट ऑफ सम एंगल्स आर गिवन. कुछ एंगल्स के मेजरमेंट आपको दिख रहे होंगे, जैसे इसका 100 दिया, इसका 140 दिया, कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए है. तो आपको यही मेजरमेंट का यूज करते हुए पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड. मतलब इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स Y and Z. ठीक है, इसका क्या निकालना है, आपको एंगल निकालना है. ठीक है, एंगल्स क्लियर है, बहुत इजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब सॉल्व कैसे करना है, डायग्राम के अलावा और कुछ नहीं है हमारे हाथ में, तो हम सिर्फ डायग्राम को देखेंगे एंड डायग्राम के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे. और आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में. आपको नए क्वेश्चन, आपने कभी देखा हुआ नहीं है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो आपको एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. तो आपको डायग्राम को देखना है और डायग्राम के हिसाब से क्या करना है, आंसर को फ्रेम करना है. ओके, अब ध्यान से देखो डायग्राम को. अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है. तो एक्स जो है बेचारा इधर अकेला है, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता. ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है. ठीक है, ये आप लोग का मेंटालिटी में बता रहा हूं कि आपको कुछ समझ में आएगा. तो मेरा भी वही है कि मेरा एक्स देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. अब मैं देखूंगा वाई के पास, वाई से मुझे कुछ हिंट मिलता है क्या. तो आप देखोगे कि ये जो वाई है, जो एक एंगल इधर है, दूसरा एंगल इधर है 100 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कुछ रिलेशन नजर आ रहा होगा कि एक लाइन है और एक लाइन के इधर एक इधर एंगल है, एक इधर एंगल है. तो आपको कुछ अच्छा समझ में आ रहा होगा, आपने कुछ पढ़ा है वो याद आ रहा होगा. यस, आप सही जा रहे हो. अगर आपको लीनियर पेयर याद आ रहा होगा तो आप करेक्ट हो फ्रेंड्स. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है, कौन से एंगल, दैट इज 100 डिग्री वाले एंगल, ये वाला जो एंगल है 100 डिग्री का एंगल, और ये वाई वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या है, आपस में लीनियर एंगल है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल वाई, ये जो एंगल वाई है, प्लस करूंगा अगर मैं 100 डिग्री के साथ, तो विल गेट 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमारा एंगल जो है यहाँ पे इन है लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर. एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, एक ही लाइन में लीनियर पेयर, देखो 180 डिग्री बनाते हैं. तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से कि एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री. तो हमें मिल जाएगा एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है, वाई का वैल्यू मिल गया मुझे 80 डिग्री. करेक्ट है, वाई मुझे मिल गया 80 डिग्री. एक वैल्यू मिल गया, वाई मिल गया. करेक्ट है, इसका काम खत्म. एक्स को तो वैसे भी मुझे कुछ नहीं आता है, एक्स में कर ही नहीं सकता कुछ. अब दूसरा हम देखेंगे जेड. जेड का भी कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है, लगभग मिलता जुलता. यस, आप देखोगे यहाँ पे तो एक ये लाइन दिख रहा होगा, इधर पे एक एंगल, इधर पे एक एंगल है. इसका मतलब ये भी जो एंगल है आपका, वो भी लीनियर पेयर एंगल है. तो आप क्या बता सकते हो यहाँ पे कि आपका एंगल जेड जो है यहाँ पे, अगर मैं प्लस करूंगा उसको 140 के साथ, जो कि बाहर का एंगल है, तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 180 डिग्री मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि ये भी जो एंगल्स है वो क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर. ये भी क्या है, लीनियर पेयर में है. ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया लीनियर पेयर. अब मुझे पता है कि एंगल जेड का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, तो एंगल जेड विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140. तो हम लोग को मिल जाएगा एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, एंगल जेड का वैल्यू मिल गया मुझे 40 डिग्री. तो वाई मुझे मिल गया 80 डिग्री, जेड मुझे मिल गया 40 डिग्री. अब मुझे अगला जो है बचा हुआ एक्स निकालना है, तो वो मैं निकाल सकता हूं. अब कैसे निकाल सकता हूं एक्स को, क्योंकि एक चीज हमें पता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए पर्टिकुलर ट्रायंगल इज 180. तो दो हमें मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, तो एक्स निकाल सकता हूं. यस, वी नो दैट कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए. एक्स अननोन है, तो एक्स को ऐसे रखो. वाई मुझे पता है कितना है, वाई 80 डिग्री है. Z मुझे अभी अभी पता चला 40 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है. ठीक है, अब माइनस कर लो, तो x विल बी इक्वल टू 80 प्लस 40, 120 हो जाएगा. 120 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 180 माइनस 120. तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री. मतलब आपका जो x का वैल्यू है वो 60 डिग्री है, y का वैल्यू 80 डिग्री है, z का वैल्यू 40 डिग्री. तो इस तरह आपने तीनों जो एंगल है मेजरमेंट ऑफ x y z, जो कि आपको पूछा था निकालने के लिए, वो आपने इजिली निकाल लिया
इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड। और ऐसे टाइप के ही एग्जांपल आपको पूछते हैं, ठीक है। लेंथी वाले एग्जांपल आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि आप लोग बहुत टाइम ले लोगे करने में, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको आज के दिन करा दूंगा जो कि सिक्स्थ एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज को डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे। तो छठा एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा एक यूनिक तरीके का है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सिक्स्थ एग्जाम्पल, ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल का मैं हेडिंग डाल देता हूँ, लेट्स स्टार्ट सिक्स एग्जाम्पल नंबर सिक्स। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स का जो पहले डायग्राम है वो आपके लिए मैं प्लॉट कर देता हूं। ओके, ओके, इस तरह से कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये आपका है एंगल यहां पे, दिस इज 70 डिग्री, यहां पे दिया हुआ है आपको कि ये 70 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। This is A point, this is B point, and this is R, this is D point. This angle is given here as 40 degree, ठीक है। 40 degree दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो है लाइन एक्सटेंडेड लाइन है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपके लिए वो है E point, ठीक है। यहाँ पे इतना ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल डायग्राम आपको समझ में आ गया हुआ कैसा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वही भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन इज इन फिगर दिस, ये आपका फिगर है, यहाँ पे बोला हुआ है कि लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी की तरफ नजर आ रहा है आपको, दिस इज द लाइन ए बी, ये वाला लाइन जो है ए बी लाइन है। तो ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके साथ, पैरेलल है लाइन डी ई के साथ। तो ए बी इज पैरेलल टू डी ई, आप देख सकते हो लगभग सेम ही है, पैरेलल जैसे दिख रहे हैं आप, ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है, तो एक पैरेलल लाइन आपको नजर आ रहा होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज बोल दिया है कि आपका जो डी आर ई एंगल है, डी आर ई किधर नजर आ रहा है आपको, दिस इज डी आर ई, मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपका डी आर ई हो गया। एंड आपका जो ए आर ई एंगल है, आर ए आर ई, व्हाट इज ए आर ई, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको पूछा है फाइंड करने के लिए, तो आप जरूर से इसको फाइंड कर सकते हो बेस अपॉन द गिवन हियर इज, ये दोनों पैरेलल है। बस इतना ही चीज दिया कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब समझ में आ गया हम लोग को ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहां पे इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तो करोगे कैसे, क्वेश्चन ये आता है हमेशा कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो आप एक चीज नोटिस करोगे जो आपको मालूम है, पहले लिख दो क्या मालूम है, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं हम लोग हेडिंग में, सिक्स क्वेश्चन है। ओके, डायग्राम देखा आपने, एक चीज सबसे पहले आपको क्या आया कि ए बी जो है वो डी ई से पैरेलल, तो आप लिख दो कि आपका जो ए बी है वो पैरेलल है डी ई से, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये आपको पता है, ठीक है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू डी। और एक चीज आप क्या बोल सकते हो कि आपको ये एडी का लाइन नजर आ रहा है, एडी का, ठीक है, अगर ए बी और डी पैरेलल है तो ये एडी का लाइन उसके क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इसका ट्रांसवर्सल है। आपने देखा है ऐसा कि कोई भी पैरेलल लाइन में अगर क्रॉस करके लाइन जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं, इसका मतलब मेरा जो एडी जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, एंड यहाँ पे जो मेरा एडी है, एडी इज ट्रांसवर्सल, आप ऐसा लिख सकते हो, एडी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर मेरा ऐसा है कि ए बी लाइन पैरेलल है डीई से और एडी मेरा ट्रांसवर्सल है, तो आप एक चीज क्या बोल सकते हो कि एंगल जो आपको नजर आ रहा है ये बी ए डी, ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है बी ए डी, और आपको एक और एंगल नजर आ रहा है जो कि है ई डी ए, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है, यस आप सही जा रहे हो। अगर आपको समझ में आएगा कि ये जेड जैसा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट एंगल है। आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर अल्टरनेट जाता है, ट्रांसवर्सल जाता है, तो उसका एक साइड और उसके अगले साइड जो कि जेड फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है अल्टरनेट एंगल। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि एंगल बी ए डी, बी ए डी विल बी इक्वल टू, किससे इक्वल रहेगा, ई डी ए से रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा ई डी ए से, इसका रीजन यही है क्योंकि वो बना रहा है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बना रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि वो अल्टरनेट एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा एंगल बी ए डी 70 डिग्री था तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि एंगल बी ए डी 70 था तो ये भी 70 हो जाएगा, तो एंगल ई डी ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपको समझ जाएगा, इतना मैंने बोल दिया, करेक्ट है, ये समझ में आ गया होगा आपको, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं कंसीडर करता हूं ये वाला ट्रायंगल, आपको नजर आ रहा है एक एक लौता ट्रायंगल है यहाँ पे डी आर ई, तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं इन ट्रायंगल डी आर ई, ये मैंने मेंशन किया कि एंगल डी आर ई में आप देखोगे तो एक चीज आपको पता चल गया कि ये आपका 40 दिया हुआ है, करेक्ट है, ये आपने अभी 70 डिग्री निकाला, ये आपका अभी 70 डिग्री आया, करेक्ट है, कि मैंने ऐसा ब्लैक पेन से लिखा क्योंकि वो अभी आया, क्योंकि अभी आपने निकाला कि EDA जो है 70 डिग्री। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो ट्रायंगल है आपका DRE, इसमें एक एंगल 40 है दूसरा 70 है, तो ये वाला जो एंगल है अननोन उसको आप निकाल सकते हो, यस वी नो दैट,
इन केस ऑफ ए ट्राइंगल ऑल द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, वी नो दैट, तो हम लोग निकाल सकते हैं वो एंगल. कैसे निकालोगे? आपको करना यही है कि ये तीनों एंगल को प्लस कर देना है. तो तीनों एंगल क्या है आपके लिए? एंगल डी है प्लस एंगल आर है प्लस एंगल ई है. ये तीनों एंगल है आपके, इनको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. करेक्ट है. क्या है एंगल डी आपका? एंगल डी 70 डिग्री, अभी अभी निकाला आपने, डी 70 डिग्री निकाला. प्लस एंगल आर जो है आपका क्या है? अननोन है, तो ऐसे ही रहेगा. एंगल आर प्लस एंगल ई जो है दिया हुआ है 40 डिग्री, वो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 180. अब माइनस कर लो, एंगल आर विल बी इक्वल टू 70 प्लस 40, 110 हो जाएगा, और 180 से माइनस हो जाएगा 110, तो आपका कितना बचेगा? 70 बचेगा. मतलब एंगल आर मिल गया आपका 70 डिग्री. एंगल आर है 70 डिग्री. तो एंगल आर एक्चुअली में है क्या? एंगल आर मतलब क्या है आपका? एंगल आर इज नथिंग बट आपके लिए जो आपको निकालना था, क्या निकालना था आपको यहां पे? दैट इज डी आर ई. ठीक है ना, डी आर ई आपको निकालना था ना, ये वाला एंगल डी आर ई. तो एंगल आर मतलब क्या है? एंगल डी आर ई. कितना आया? 70 डिग्री आ गया. ओके, तो एंगल डी आर ई आपने निकाल लिया 70 डिग्री. करेक्ट है. ठीक है, अब एक चीज और बच गया जो कि आपको पूछा है, एंगल ए आर ई निकालने के लिए. सबसे पहला जो पूछा था एंगल डी आर ई निकालने, वो आपने निकाल लिया. अब दूसरा एक और पूछा है एंगल ए आर ई निकालो. तो एंगल ए आर ई आपको नजर की जरा रहा है, पहले वो देखो. अब यहां पे आपने इसको निकाल लिया, तो इसको भी निकालने के बाद ये जो है 70 डिग्री यहां पे लिख दिया आपने. एंगल ए आर ई निकालना आपको, ये वाला निकालना है. तो एंगल ए आर ई निकालने के लिए कुछ रिलेशन दिख रहे हैं दोनों में, इसके और इसके बीच में एक रिलेशन आपको नजर आ रहा होगा. ये रिलेशन आपको है, दैट इज लीनियर पेयर का. ये और ये दोनों एक ही लाइन में है, तो लीनियर पेयर है. तो आप क्या बोल सकते हो कि एंगल आर जो है, मतलब डायरेक्ट अगर पूरा पूरा लिखो इसका नाम जो है एंगल डी आर ई जो है प्लस करूंगा एंगल ए आर ई से, तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर में है. करेक्ट है, एंगल से लीनियर पेयर में. तो एंगल डी आर ई अभी भी निकाला है मैंने, 70 डिग्री आया है, प्लस ए आर ई मुझे निकालना है. करेक्ट है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर. तो एंगल ए आर ई मेरे को मिल जाएगा यहां से, एंगल ए आर ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70. तो 180 से 70 माइनस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि है एंगल ए आर ई विल बी इक्वल टू 110 डिग्री. करेक्ट है, ये आपका आंसर आ गया. यही आपको निकालना था, दो ही एंगल निकालना था, जो कि था एंगल डी आर ई आपको निकालना था और एंगल ए आर ई निकालना था. आपने निकाल लिया, डी आर ई का आया 70 डिग्री, ए आर ई का आया 110 डिग्री. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आया होगा. और आज जो है फ्रेंड्स, यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. इसमें हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, 4, 5, 6 देख लिया, एंड आगे के जो एग्जांपल है कुछ प्रूफ करने के एग्जांपल है. तो ये मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज मैं जो एक्सरसाइज है, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.1, उसको यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ. आने वाले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेके आऊंगा, उसको मैं फ्रेश टॉपिक के साथ शुरू करने वाला हूँ. तो इसके कुछ बचे हुए एग्जांपल से काफी इजी है, आप देखोगे 7, 8, 9 काफी इजी एग्जांपल है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट रहे, कुछ चीज समझ में नहीं आया, या फिर आप कुछ एग्जांपल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा. अगर हम हो सकता है कि आपको रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, पूरी कोशिश करते हैं हम लोग रिप्लाई देने की, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ज्यादा कमेंट आ जाते हैं, अननेसेसरीली कमेंट आ जाते हैं, तो उसमें से उसको सॉर्ट आउट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो आप ये बोल सकते हो, आपको अगर एकदम इमरजेंसी में या फिर एकदम घाई में आपको चाहिए आपका आंसर, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारे इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे, वहां पे मैं जरूर से रिप्लाई देता हूं. तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे पर्टिकुलर नाम के साथ कि हाँ सर, ये पर्टिकुलर चैप्टर का ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं समझा है, इसका आंसर या फिर सॉल्यूशन मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको जरूर से वहां पे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं. आपको आज का लेक्चर वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय.